नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सब लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं हूं सचिन राठौर और आज मैं आपको लेके जा रहा हूं जिला चंबा की साल घाटी में। साल घाटी भौगोलिक दृष्टि से जिला चंबा के मध्य में स्थित है और जिस जगह मैं आज आपको लेके जा रहा हूं उसका नाम है एंड पुखरधार। एंड पुखरधार साल घाटी के पश्चिमी छोर पर स्थित एक बेहद खूबसूरत धार है जो कि लगभग 3400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो चलिए आपको मैं सीधे ही लेके चलता हूँ एंड पुखरधार। और एक बात मैं आपको बता दूं, चीते के पीछे पड़ने से हिरण की बढ़ जाती है गति। चीते के पीछे पड़ने से हिरण की बढ़ जाती है गति और ज्यादा शराब पीने वालों की भी मर जाती है मति। और चंबा के जिसने कोने कोने को छू लिया हो ऐसे हैं हमारे भाई यती। वेलकम भाई टू माय चैनल। थैंक यू भाई। और क्या बातें बोलिए भाई ने। नहीं, कहां से लिखी है भाई लाइन, कहां से आई है? ये सारे मेरे लव्स हैं पर मेहनती मुंडा हमारा चंबा का। थैंक यू भाई मेरे को साथ में लाने के लिए। अरे कोई बात, वैसे तो हम काफी दिनों से प्लानिंग कर रहे थे साथ आने की पर बीच में यती भाई बिजी थे, बीच में मेरे को थोड़ा काम था पर फाइनली आज हमें आने का मौका मिल गया। बिल्कुल भाई, मैं खुद 2 महीनों से अभी आ नहीं रहा था लेकिन बिल्कुल लाइक माइंडेड पीपल होंगे तो साथ में आएंगे। ये यती भाई, इनको कौन नहीं जानता है, पूरा जिला चंबा इनको जानता है। यती भाई पिछले 5 सालों से लगातार चंबा जिले के दूर दराज क्षेत्रों में जाकर नई नई जगह एक्सप्लोर कर रहे हैं और अपनी खूबसूरत वीडियोस के माध्यम से हम सब लोगों के बीच में रख रहे हैं। और इसका मैं एक एग्जांपल बताता हूं यती भाई, आपकी जो एक वीडियो आई थी ना सेरी वाटरफॉल, मेरे घर से जस्ट 15 किलोमीटर की दूरी पर है पर इतनी उम्र होने के बावजूद भी मुझे उस वाटरफॉल के बारे में पता नहीं था और काफी अमेजिंग वाटरफॉल था। और उसका मैं एक पॉजिटिव इफेक्ट आपको बताता हूँ, उसके बाद वहां पर लोगों की आवाजाही 3 या 4 गुना बढ़ गई है। ऐसा ही इफेक्ट इनकी सारी वीडियोस का है, ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल बताया। इनके चैनल में तकरीबन 100 से ज्यादा वीडियो हैं और काफी पॉजिटिव इफेक्ट चंबा टूरिज्म में रहा है और चंबा टूरिज्म को एनहांसमेंट करने के लिए दीदी भाई बड़ा बड़ा धन्यवाद आपका। आप ऐसे ही काम करते रहिए। इनकी वीडियोस को जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। काफी सारी सुंदर सुंदर जगहें चंबा की पड़ी हुई है इनके चैनल में, उनको देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और इस वक्त हम पहुंचे हैं एंड पुखरधार जो कि काफी सुंदर मेडो है। पूरी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं। तो गाइस चंबा से 15 किलोमीटर चलने के बाद हम पहुंच गए हैं साहो और हमने यहां से भी 5 किलोमीटर और आगे जाना है जिस विलेज का नाम है कुर्था और जहां से हम अपना एंड पुखरधार ट्रैक शुरू करेंगे। तो गाइस ये है ऊपर कुर्था रोड, हमने इस रोड पे जाना है कुर्था वाई रोड पे। तो यहां से तकरीबन 4 किलोमीटर की दूरी पर है कुर्था। तो बिल्कुल देखिएगा जरूर। हाँ देखिएगा जरूर। तो गाइस अभी हम पहुंच गए हैं कुर्था विलेज में और यहाँ तक रोड एंड होता है हमारा और यहाँ से हमारी ट्रैकिंग शुरू होगी। तो कुछ इस तरह की लोकेशन है, ये है कुर्था विलेज और यहीं से हमने जाते हुए स्टॉप तक पहुंचना है। चलते हैं, यती भाई भी तैयार है। यती भाई चलो, ये है कुर्था विलेज। गाइस इस वक्त हम पहुंच गए हैं सरा विलेज और यहाँ पर एक मंदिर है और एक पीपल का पेड़ है जिसके नीचे छाया में बैठे हैं। 2 घंटे हमें यहाँ तक लग गए, अब यहाँ पर हम लंच करेंगे और उसके बाद। तो गाइस हम पहुंच गए हैं सरा विलेज में। नीचे जो जहाँ पर हमने लंच किया उसका नाम भी सरा विलेज था और ये भी सरा विलेज है, लास्ट विलेज है ये एंड पुखरधार के लिए। क्या बात जय माता दी। तो ये है काली माता की भव्य मूर्ति। तो दोस्तों हमें चलते चलते तकरीबन 3 घंटे हो चुके हैं, हमने अभी अभी सरा विलेज को क्रॉस किया है और इससे पहले काफी धूप वाला मौसम बना हुआ था और अभी अभी एकाएक मौसम ने अपना रुख बदल लिया और तेज हवाओं और बादलों का सिलसिला शुरू हुआ। ये तो चढ़ाई चढ़ने के लिए बिल्कुल सही है, बारिश की हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई है। आशा यही रहेगी कि ये बूंदाबांदी ज्यादा ना बढ़े। तो गाइस 3:30 बजे का टाइम हो चुका है और ये देखिए कुछ इस तरह का नज़ारा है। अब फॉरेस्ट जोन यहाँ से शुरू हो गया है और बस ये जो आपको सेंटर फ्रेम ये वाली जो धार दिख रही है यहाँ तक पहुँचना है। तो लगभग अब 2 घंटे मिनिमम तो लग ही जाएंगे यहाँ से।
पाँच बजे का टाइम हो चुका है और चलते चलते तकरीबन 5.5 घंटे हमें हो चुके हैं और हल्की फुल्की बारिश भी शुरू हो गई है और ठंड जिससे हाथ बिल्कुल जम गए हैं। दो साथी हमारे साथ साथ तो गाइस 7.5 घंटे में चलते हुए हो चुके हैं और तकरीबन 3,200 मीटर की ऊंचाई पर हम पहुंच गए हैं और हमारी डेस्टिनेशन 3,370 मीटर की ऊंचाई पर है और लगभग 150 मीटर अभी तक एल्टीट्यूड हमें और गेन करना पड़ेगा। कुछ इस तरह का व्यू आप देख सकते हो यहाँ पर, थोड़ी सी यहाँ पर ओपन फील्ड है, ऑक्सीजन की तो कमी थोड़ी सी रहती है हाई एल्टीट्यूड में। दो कदम आप रखते हो तो सांस फूलने लगती है, चलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और स्पीड बड़ी कम हो जाती है। तकरीबन 8 घंटे चलने के बाद हम पहुंच चुके हैं फाइनली। इस सब को नज़ारा देखिए, बर्फ, फ्रेश स्नोफॉल हुआ है आज ही, क्या बात है। और ये है सारी एंड पुकरधार और ये छोटा सा तालाब है एक साहो वैली एंड पुखरधार 3,400 मीटर और तकरीबन 8 घंटे का ट्रैक। गुड मॉर्निंग गाइस, तो सुबह के 7 बज चुके हैं। रात को तो हम ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाए, अंधेरे में ही पहुंचे थे। फिर उसके बाद खाना वगैरह खा के रेस्ट करना सबसे बड़ी प्रेफरेंस थी क्योंकि 8 घंटे की ट्रैकिंग करके यहाँ पर पहुंचे थे। ये सारी एंड पुखरधार काफ़ी बड़ी मेडो है यहाँ पर। ये देखिए हमारा टेंट, इस तरफ को छोटा सा पौंड है और ये कुछ गुजर कम्युनिटी के कोठे हैं जो अभी तक यहाँ पर नहीं आए हैं, थोड़े ही दिनों बाद आने वाले हैं। इस तरफ को ये जो रिज लाइन है इसी पे आके स्पेका धार और यहीं से जो खुंटी माता वाला ट्रैक है वो यहाँ से होते हुए यहीं से स्पेका धार से और ये जो पासेस हैं इसी के दूसरी तरफ खुंडी माता झील है और ये जो स्नो कैप्ड आपको माउंटेन्स दिख रही हैं ये केल्लू डल और सियाजोत वाली लोकेशन है और इस तरफ को ये देखिए ये सारी चुरा वैली का एरिया पड़ता है और ये सारी इस तरफ को चांजू वैली, इस तरफ को सवाला का एरिया है नीचे की तरफ को और ये सारी पीछे पीर पंजाल माउंटेन रेंज, इस तरफ को द्राटी पास और यही रिज। यहाँ अगर इसी रिज पे हम आगे को निकल जाएं तो चंडी चला और कलेल की तरफ को हम पहुँच जाते हैं और इस तरफ को हमारा यहाँ से हम आए थे ये सारी साहो वैली है नीचे की तरफ को। हिस्ट्री के बारे में आपको बताता हूँ, ये है हिमालयन ओक जो कि ऊपर की तरफ को लास्ट ट्री आपको यही वाला मिलेगा, या तो भुजपत्थर और या तो ये वाला। ये है हमारा बॉडी गार्ड शेरू जो कि थ्रू आउट ट्रैक हमारे साथ रहा। ये देखिए ये शेरू है, ये शेरनी है, इस तरफ को कल पूरा साथ हमारे साथ ट्रैक पे रहे और रात को भी हमारे साथ, हम तो अंदर सोए थे और ये शेरू आप यकीन नहीं करोगे इतनी ठंड में बाहर ही बैठा हुआ था और खाना थोड़ा सा हमारे पास कम था पर थोड़ा बहुत जो था हमने शेयर कर लिया। तो गाइस 10:30 बजे का टाइम हो चुका है और हमने ब्रेकफास्ट वगैरह कर ली है और सब कुछ सामान वगैरह हमारा पैकअप हो चुका है, अब थोड़ी देर में ही हम निकल जाएंगे यहाँ से। काफ़ी खूबसूरत जगह है, जाने का मन तो नहीं कर रहा है। लश ग्रीन मेडोज और बादल देखिए बिल्कुल
सिर के ऊपर, और थोड़ी देर में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। तो बारिश का बिल्कुल भी पता नहीं होता है यहाँ पर, कब बारिश लग जाए, तो टाइम नहीं निकलना ही ज़्यादा बेटर है। तो अगर आप में से कोई यहाँ पर पहुँचना चाहता है तो चंबा से 15 किलोमीटर की दूरी पर साहो पड़ता है, और साहो से तकरीबन 5 किलोमीटर की दूरी पर कुर्था विलेज तक आपने आना है, और वहाँ से आपकी हाइक शुरू होगी एंड पुखरधार के लिए, जो कि लगभग 7 से 8 किलोमीटर के बीच में है। कब जब भी आप यहाँ पर आएँ, ट्रैकिंग टाइमली शुरू कर दें, मेरे हिसाब से आप 9 या 10 बजे नीचे से ट्रैकिंग शुरू करेंगे तो आराम से आप यहाँ पर 6 बजे तक पहुँच सकते हैं। तो गाइस 12:30 बजे का टाइम हो चुका है और हम यहाँ से वापस जाने वाले हैं। तो काफ़ी खूबसूरत जगह है, आई होप आपको ये जगह अच्छी लगी होगी। तो हमने तो काफ़ी इंजॉय किया यदि भाई, और यदि भाई के साथ भी काफ़ी शानदार ये एक्सपीरियंस रहा मेरा, और इन फ्यूचर तो यदि भाई के साथ ट्रैक अप होने ही वाले हैं। आई होप आपको ये वीडियो और ये जगह काफ़ी सुंदर और अल्टीमेट लगी हुई है। देखिए लास्ट व्यू एंड पुकरधार का। वीडियो को यहीं पेंड करते हैं, मिलते हैं अगली ब्यूटीफुल जगह में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। Bye-bye.